प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। जब एक वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य दिए हों तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा उन पर होने वाले लाभ अथवा हानि के अंतर के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जैसे अगर हमारा क्रय मूल्य हमारा 250 है, 250 रुपीज़ है, और उस पर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें 400 रुपीज़, और इधर दूसरा विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 350, राइट। तो हम देखेंगे कि कोई वस्तु हमने 250 रुपये की खरीदी और 350 रुपये की बेची, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 100 का लाभ हुआ। कोई वस्तु 250 की है और उसे हमने 400 में बेचा, तो हमें कितने का लाभ हुआ? 150 रुपीज़ का लाभ हुआ। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब दो वस्तु के अलग अलग विक्रय मूल्य दिए हों, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, ये दिया है SP1 350 और ये दिया है SP2 400, तो इन दोनों का अंतर यानी कि SP1 माइनस SP2 इज इक्वल टू 400 माइनस 350। तो SP1 माइनस SP2 हमारा कितना आ गया? 50। दोनों विक्रय, यदि एक वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य दिए हों तो विक्रय मूल्य का अंतर, तो हमने विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लिया, 50 आ गया। कह रहा उन पर होने वाले लाभ अथवा हानि के अंतर के बराबर होगा। अब हम देखेंगे यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दोनों लाभ हो तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या होगा? लाभ और लाभ का अंतर कितना आ गया? 150 माइनस 100, तो ये कितना आ गया? ये भी 50 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि SP1 माइनस SP2 क्या हो सकता है हमारा? या तो हमारा हो सकता है लाभ लाभ का अंतर, और क्या हो सकता है? हानि हानि का अंतर, और क्या हो सकता है हमारा? लाभ या हानि का अंतर। तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हमारा कुछ भी हो सकता है और ये क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तो हमें लाभ हो रहा है, दोनों जगह कभी लाभ होगा, इधर हानि होगी, और दोनों हानि हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है? दोनों का विक्रय मूल्य हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों के लाभ लाभ हो तब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और हानि हानि हो तब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और एक लाभ और एक हानि हो तो वो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कई बार रिवीजन करना है, बार बार करके देखना है, और तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन ने हाथ की घड़ी 75 रुपये में बेची जिसमें उसे घड़ी के लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक है हमारी कि इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन हम लेके देखते हैं कि 30% कितना होता है। 30% 30×30/100, 0 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, ये हो गया 9। अब हम इसमें जो हमारा ये 9 आया है, इसमें हम ये 30 जोड़ के देखें तो क्या हमारा विक्रय मूल्य 75 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो हम दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, बी ऑप्शन लेंगे, हम लिखेंगे 50% और हम वैसे भी ओरली कर सकते हैं, 50% क्या आएगा? 25। देखते हैं 50×50/100, 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, ये आ गया 25। अब इस 25 में हम क्या जोड़ेंगे? क्रय मूल्य जो हमने लिया है 50, तो 50 हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा? 75, और जो कि हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या है हमारा? 50। तो हम लिख देंगे क्रय मूल्य है हमारा 50, क्योंकि
अगर लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे निकल के आया है उसमें ऐड कर देंगे, और अगर हानि हो रही है तो घटा देंगे। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हमने प्लस 50 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक है हमारी कि हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें ऑप्शन दे रहा है, तो यानी कि यही सब क्रय मूल्य है, तो कोई भी हम क्रय मूल्य ले सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ही लेंगे, और फर्स्ट है हमारा 30, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 30 है, तो 30 का 30% हम निकालेंगे। 30 का 30% आप ओरली भी निकाल सकते हैं कि 9 आएगा, और वो कैसे आएगा, का मतलब मल्टीप्लाई, 30 परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो ये आया 9। अब 9 आया, अब कह रहा है कि इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे, सीपी में से घटाएंगे, क्योंकि एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस। तो 30 माइनस 9 हमारा क्या कितना आ रहा है, 21, जो कि हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा 30 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा गया है, तो क्रय मूल्य हमारा इसी ऑप्शन में से ही तो होगा, तो हम इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो हम पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, यहाँ पर हानि हो रही है तो हमने हानि का फॉर्मूला लिखा है, राइट। तो हम वो सीपी लेंगे जिसमें से लॉस घटाने पर हमें ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, तो हम लेंगे 20 का 20%, तो 20 का 20% हम लोग ये ओरल भी कर सकते हैं, 20 क्रॉस 20, वो तो समझाने के लिए परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 चले गए, बचा क्या हमारे पास 4। अब क्या है हमारा विक्रय मूल्य, हमारा क्या है विक्रय मूल्य, हमारा है 16, राइट। तो एस पी बराबर क्या होता है, सी पी माइनस लॉस, विक्रय मूल्य हमारा है 16 इज इक्वल टू सी पी हमने माना है 20 माइनस का 4। तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, वेरीफाइड हो रही है, यानी कि सी पी हमारा कितना है 20, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो कौन सा क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमारा इन ऑप्शंस में से भी होगा, तो हम कोई भी क्रय मूल्य ले सकते हैं। अगर हम 90 लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 90% हम निकालेंगे, तो 90 का मतलब मल्टीप्लाई 90 और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, 10 से 10 10 से 10, तो ये बचा 9 81। अब इस 81 में हम ये जो क्रय मूल्य जो हमने लिया है उसको हम ऐड करेंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आ जाना चाहिए, 144 आ जाना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, और अगर नहीं आता है तो ये गलत है। तो जोड़ने पर हम देखते हैं क्या आता है, 1 और 171, विक्रय मूल्य तो हमारा 144 है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट लेते हैं 80, ए ले लेते हैं हम, 80 का 80%, तो 80 का 80% का मतलब मल्टीप्लाई, 80 और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, 10 से 10 10 से 10, तो ये हो गया 8 2 64। अब हमने क्रय मूल्य क्या लिया है 80, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे 80, तो आना क्या चाहिए हमारा, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो आना चाहिए। तो विक्रय मूल्य हमारा देखते हैं ऐड करने पर क्या आता है, 0 और 4 4 8 और 6 14, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट।
क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपीज है, यदि इसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला करेंगे, राइट, कोई भी हम फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन है हमारा 30, 50, 60 एंड 80। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लेते हैं, भाई लाभ क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य हमारा इन्हीं चारों में से होगा। तो पहले हम लेते हैं 30, तो 30 का हम 30% निकालेंगे, 30 का 30% कितना होगा, 0, 0 यानी कि 9, और 9 को हम इसी में जोड़ देंगे, 9 + 30 कितना हो जाएगा हमारा 39, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ए इज़ राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें कह रहा है कि विक्रय मूल 39 है, विक्रय मूल 39 आ गया हमारा, यदि उसका लाभ प्रतिशत ये हमने निकाल लिया, 30 का 30% हमारा आया 9, उसके क्रय मूल हमारा 30 है ना, तो 30 हमने ऐड करा, 30 + 9 = 39, ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 30, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।